हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम नए रिक्रूटमेंट रूल के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किन किन लोगों पर ये अप्लाई होगा, और अभी जैसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो स्टेनोग्राफर हैं वो इनकम टैक्स तक जो है वो अब 10 साल में पहुँचेंगे। तो लाइक इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, ITEF जैसे कि इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन हमेशा ट्राई करता रहता है एम्प्लॉयज़ की फेवर के लिए कि कौन कौन से जो रूल्स हैं वो उनके फेवर में हैं या नहीं, और उसके अगेंस्ट फिर वो जो है वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे उनके एक तरीके से यूनियन ही है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक लिमिट के बाद वो DOPT जब जारी करता है वो नए रिक्रूटमेंट रूल, तो जब वो जारी करता है नए रिक्रूटमेंट रूल तो एक हद तक वो उसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, एक लिमिट तक ही वो इंटरफेयर कर सकता है। तो DOPT ने हाल ही में कुछ नए रिक्रूटमेंट रूल की गाइडलाइन जारी की थी, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा 2400 से लेकर के 4200 जो ग्रेड पे है उसकी अब 10 साल में जो होगी, फिर 4200 से 4600 वाली 5 साल में होगी। तो पहले क्या होता था कि कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो अपनी मर्जी से प्रमोट कर देते थे, बड़ी जल्दी भी टैक्स असिस्टेंट से लोग इंस्पेक्टर बने हैं, जैसे कि मैंने मुंबई में आपको बताया था CBDT डिपार्टमेंट के बारे में कि लगभग 3 साल में वो जो है वो प्रमोशन ले भी गए, और ये बात सच्चाई भी है। तो जो DOPT की गाइडलाइन है तो वो यही थी नए रिक्रूटमेंट रूल। और भी थोड़े बहुत मेजर चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है अब ज़्यादा करेंगे वो 2/3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, यानी कि अब प्रमोशंस कम करेंगे वो, रिक्रूटमेंट जो डायरेक्ट है वो ज़्यादा करेंगे। तो ये हो गया। एक स्टेनोग्राफर जो है वो इस लिस्ट से इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है कि अब स्टेनोग्राफर जो पहले आपने सुना होगा स्टेनोग्राफर कितनी जल्दी जो है वो इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाते थे, तो वो इन्होंने रोका है। तो ITFA की वजह से ही, ITEF की वजह से ही जो नए रिक्रूटमेंट रूल हैं उसकी जो रिकमेंडेशन है वो उसी की रिकमेंडेशन की वजह से ये रुकी हुई है अभी। तो अब जो कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि जो आपकी जो पोस्ट है, जैसे कि आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, OS है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और स्टेनोग्राफर Grade 1 Grade 2, तो उन सबको मर्ज करके आपकी एक पोस्ट वो बना देंगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो ये जो आपकी पोस्ट अब नई क्रिएट होगी, तो जब भी ये आपका कैडेट रिव्यू एंड रिस्ट्रक्चरिंग होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो उसमें ये चीज़ देखी गई कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है इसकी पोस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इस पोस्ट को भरने के लिए जो आपका RR पीरियड है, क्योंकि ITEF ने भी ये डिमांड की थी कि ऑलरेडी पोस्ट बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो इसको क्या है, ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जो ठीक है, इतनी भरी नहीं जाएंगी, वैकेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप ये जो RR का पीरियड है इसको कम कर दिया जाए। तो इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई थी। तो होता क्या है, जब भी आपकी कोई नई पोस्ट आपकी क्रिएट हो गई, तो मान लो जैसे अगर कोई टैक्स असिस्टेंट है तो टैक्स असिस्टेंट से उन्होंने कहा है कि 10 साल के बाद फिर वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली पोस्ट पर जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दोज जो कि इन द मिडल ऑफ डैट, जो कि अभी सीनियर टैक्स असिस्टेंट हैं, तो वो तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट ऑलरेडी हैं, तो क्या उनको भी 10 साल का वेट करना पड़ेगा? तो ये चीज़ मेन पॉइंट थी। तो जब भी कोई नई पोस्ट बनेगी तो उसके जरिए क्या है, पुरानी पोस्ट जो है वो भरी जानी चाहिए उसके अगेंस्ट, और पुरानी पोस्ट वो तब भरेंगे जब वो RR जो है वो फॉलो होगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने समझा, और RR जो इम्प्लीमेंट अगर वो करेंगे तो साथ में प्रोटेक्शन क्लोज दे देंगे। मैं प्रोटेक्शन क्लोज को अगेन वेरीफाई जो है वो करता हूँ आपको। देखिए प्रोटेक्शन क्लोज क्या होता है, प्रोटेक्शन क्लोज जैसे आपने मान लो कोई नए रिक्रूटमेंट रूल आ गए किसी भी डिपार्टमेंट में, नई जॉब क्रिएशन होगी तो नए रिक्रूटमेंट रूल आ गए, ठीक है, तो नए रिक्रूटमेंट रूल से पहले अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, आपने वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, आप उसमें काम कर रहे हो या आपके ज्वाइनिंग से पहले, तो आपके क्या होगा, आप पे ओल्ड जो रिक्रूटमेंट रूल है वो लगेंगे। लाइक अगर आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट हो तो वही आपके कुछ सालों में आप जल्दी से प्रमोट हो जाओगे। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हमारे पे ये जो प्रोटेक्शन क्लोज है वो देंगे या नहीं देंगे, तो उनको इस चीज़ का डर मंडरा रहा है। भले इसका एक स्टीक आंसर तो किसी के पास नहीं है, हालांकि 2016 के बाद से जैसे 17 वाला है, 18 वाला है, 19 वाला है, इनको प्रोटेक्शन क्लोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई क्लियर बात नहीं कही जा सकती। चेयरमैन के साथ ITFA वालों ने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कशन किए हैं, कुछ उन्होंने माने भी हैं, लाइक
जैसे सिंगल ITO स्टेशन के बारे में, फेसलेस के बारे में, और जो कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला काम था वो अब MTS को ही देंगे, वो आउटसोर्सिंग कर रहे थे प्राइवेट कंपनीज को। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें मानी गई हैं। कुछ जैसे स्टेनोग्राफर वाला भी अभी जो सर्कुलर आया है इसको भी अभी होल्ड करके रखा हुआ है। मेरे ख्याल से अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी के लिए इतना ही है कि ये जो प्रोटेक्शन क्लोज है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो आपको बता दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।